नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइस। यूपी के सीतापुर के थाना महमूदाबाद में जमीनी विवाद इतना बड़ा हुआ कि पोते ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए अपनी दादी को ही धारदार हथियार से गला रेत कर मार दिया। हत्या करने के बाद पोता आला कत्ल तथा कोतवाली पहुंचा। दिन दहाड़े पोते द्वारा की गई दादी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। कोतवाली महमूदाबाद के कैथी टोला वार्ड निवासी बुजुर्ग शांति देवी 70 वर्षीय पत्नी गौरी शंकर बीते दो दिन से पहले अपने पति गौरी शंकर की मौत के बाद अकेले अपने घर पर रह रही थी। इस बीच पैतृपुर निवासी कमलेश, जो कि बुजुर्ग महिला के सौतेले पुत्र थे, वो अपने पिता के क्रियाकर्म करने हेतु यहाँ घर पर मौजूद थे। रविवार की सुबह करीब 7 बजे कमलेश अपनी पत्नी के साथ दवाई लेने चले गए थे। इसी दौरान कमलेश का पुत्र प्रदीप वर्मा अपनी दादी शांति के घर पहुंच गया। शुक्रवार को हुई बाबा गौरी शंकर की मौत के बाद उपजे भूमि विवाद से आक्रोशित प्रदीप ने अपनी दादी के गले पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद प्रदीप कोतवाली पहुंच गया। सूत्रों के अनुसार प्रदीप की दादी का नाम संपत्ति आने के बाद से ही प्रदीप अपनी दादी से नाराज था और उसे लगता था कि दादी सारी संपत्ति किसी और को दे देंगी। घटना की सूचना पाकर कोतवाल अनिल पांडे, कस्बा इंचार्ज संदीप तिवारी, मय फोर्स मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुरुज बताए थी लड़का उनके उनकी दिया बैठा है, कोई रात में रुके रहा, उनका एक लड़का रुका रहा, रुका रहा, उनकी दुल्हन रुकी रहा रात में, तक उनकी दुल्हन सवेरे चली गई, उनका लौंडा पठाया हुआ कहीं की घर का रही थे दवाई मम्मी के लिए, तो महतारी लौंडा पठाया हुआ अपना आई गवा फिर लौट गई है, तक उनके साथ में 5 लड़का उनके आए गए कमलेश के, तो सबका यहाँ जब आए गए तो माटा में पानी सब डाल दी हिन कि बाबा पानी दे आए हैं, तक सब वहाँ घर में गए तो बैठ गए, तो सबका चाय दे हम सब चाय पीन है लैया नमकीन खाई है, तो चाय पिए के बाद लड़का सब यहाँ चले आए कमरा के है पास, तो हम चाय कम पड़ गए, तो हम चाय कहें कि दीदी के यहाँ दवा दे दो चाय दे दो, वही लड़का कहें कि खाली चाय दे खाली चाय दे, तो हम चाय गर्म है डॉक्टर जी कहते हैं गिलास में चाय करें, तो उमा में कहे एक लोमड़ा चाय नहीं पिए दी चाय दीदी का गिलास में भरा है भैया हमारा, कहीं चाय न पिए और बाहर चलो कुछ अकेले बात करे के यहाँ है, तो दीदी कहें चल ना पाई भाई दादी चल ना पाई भैया ये बुलाए लो, तो एक लोमड़ा उनका पकड़ लावा इतना कहीं हाथ से पकड़ो पकड़ लावा कहीं कि इतना ही बाहर कुछ अकेले में बात करे थे, तो दीदी के हम लौंडा बाहर राहुल पकड़ लावा है ये पार मियाँ कमरा कहीं, तब तक के हुआ हमसे कोई चाय हम भगवान हम रखे ही जाते रहे, और जब यहाँ पकड़ लावा ये पार तो तनिक देर हम भगवान हम पानी नलमा पानी नहीं था पानी उठे नहीं नलमा भगवान हम और पानी धरे जाते रहे गैस पर यहाँ चले वही पार से नहीं बंद हो गया दरवाजा भीतरी से नहीं, तब हम कहें कि केमाड़ा बंद हो गए हैं पता नहीं कहीं, तो जो पार जब धक्का मारे तो केमाड़ा बंद, तो यहाँ हमारे यहाँ चाप मिलत है बोल चावल लेकिन समझ नहीं पाए कौन बोल चावल मिलती है, चाप चाप मिलत रहे चिल्लानी हो या तो कुछ बोल चावल बड़ी तेज तेज भाई, तो वही पार से धक्का है हमारे कि केमाड़ा खोली देखी, तो जब केमाड़ा खोले तो भीतर से बंद रहे, तो जब भीतर बंद रहे तब हम छत पर चढ़ी गए दूसरे घर में उतर गई हैं, तो बाहर से नहीं आए तो यहाँ देखें केमाड़ा बहरों बंद होगी, तो भैया हम चिल्लाए ला रहे का नाम रहा इनका जो जिनकी डेथ हुई है शांति देवी नाम है, कल ही उनकी मृत्यु हुई इनके पति आए रहे गौरी शंकर पहचान सबका है, हाँ तो पहचान सबका है, लेकिन जब सब ई पार मारे तो हम ई पार हमका बंद के हम बाहर नहीं देख पाए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनीता, क्या लगा था ये हमारे लगते हैं कुफा सास। अच्छा ठीक,